चैनल so हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर टेन दैट इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स इसके बाद बचेगा हमारे पास बस एक योगा वाला चैप्टर चैप्टर नंबर थ्री और उसके बाद हमारा बचेगा बस चैप्टर नंबर वन के फिक्सचर्स चैप्टर वन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बस फिक्सचर्स वाला पार्ट पढ़ा है ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस खत्म है बस एक चैप्टर और वो भी हम आजकल में ही खत्म कर लेंगे और एज प्रोमिस्ड मैं आप लोगों का सिलेबस विद इन वेल टाइम पूरा करा चुका हूं राइट तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स को और फिजिकल एजुकेशन को बिल्कुल एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं और चीजें समाप्त करते हैं चलिए जल्दी से लेट्स बिगे तो शुरू करते हैं बेटा जी हमें छोटे से चैप्टर के साथ छोटा सा तो नहीं है ले लेगा एक घंटा चैप्टर नंबर टेन है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स अब देखो नाम में ही है हम इसके अंदर अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स की बात करेंगे चाहे वो स्ट्रेंथ रिलेटेड हो एंडियोरेंस रिलेटेड हो फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड हो है ना स्पीड रिलेटेड हो इस तरीके से मल्टीपल ट्रेनिंग्स के बारे में बात करेंगे और मल्टीपल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर आता है वो आता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट अब देखो आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट हमारे पास दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और इसके अंदर मेजर रोल कोच का होता है है ना अब देखो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए सपोज इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर लो इंडियन हॉकी टीम की बात कर लो इंडियन फुटबॉल टीम की बात कर लो जब भी हम एक नेशनल लेवल टीम की बात करते हैं तो वहां पे प्लेयर्स तो बहुत लिमिटेड खेलेंगे तो उनको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा तो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए क्या वो पर्टिकुलर प्लेयर फिट है या नहीं है तो उसके लिए पहले उसके टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर बच्चे का धीरे 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 डेवलपमेंट धीर 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 किया जाता है ताकि वो इंटरनेशनल लेवल तक कंपीट कर पाए तो ये सब करने में कौन हेल्प करते हैं जो कोचेस होते हैं जो टीचर्स होते हैं तो यही दो कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड देन टैलेंट डेवलपमेंट कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बस पता होने चाहिए ठीक है तो देखो क्या लिखा हुआ है सबसे पहले टैलेंट क्या है टैलेंट कैन बी डिफाइंड एज एन एडिकेट एबिलिटी इन वन डायरेक्शन स्पोर्ट्स के लिए हम मेनली बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं जितने भी बच्चों का एबिलिटी है स्पोर्ट्स अच्छा खेलने की उसको हम टैलेंट बोलेंगे ठीक है दस सम वन टैलेंट कैन डू समथिंग विद आउट ट्राइंग हार्ड मतलब जिसके अंदर टैलेंट होता है वो कुछ कर सकता है विदाउट ट्राइंग दैट हार्ड मतलब जिसके अंदर टैलेंट नहीं है वो बहुत भी कोशिश करेगा तब भी वो नहीं कर पाएगा और जिसके अंदर टैलेंट है अगर वो एफर्ट लगाएगा मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हार्डवर्क नहीं करना है हार्डवर्क उसको भी करना है लेकिन एस कंपेयर टू द पर्सन जिसके पास टैलेंट नहीं है उसके कंपेरेटिवली कम हार्डवर्क में भी वो पहुंच जाएगा सही है जी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझेंगे द प्रोसेस बाय चिल्ड्रन आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट द प्रोसेस बाय चिल्ड्रन आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट दे आर मोस्ट लाइकली टू सक्सीड बेस्ड ऑन द सेलेक्टेड पैरामीटर्स इसका मतलब एक कोच बहुत जल्दी से समझ जाता है कि इस बच्चे के अंदर स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट है जैसे आपने एम एस धोनी वाली मूवी देखी होगी तो माही भाई जो है हमारे वो फुटबॉल खेलते थे तो फुटबॉल के अंदर गोल कीपिंग करते थे अब उनके जो कोच थे उन्होंने देख लिया कि ये क्रिकेट खेल सकता है कैच अच्छा पकड़ सकता है है ना तो उन्होंने टैलेंट को आइडेंटिफाई करा और डायरेक्शन दे दिया कि भैया आप इधर चलो राइट तो ये बेसिकली टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है परफेक्ट है अच्छा अब समझो आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप होता है बेटा जब एक पर्टिकुलर प्लेयर का प्रोग्रेस होता है फ्रॉम बिगिनर टू अ सक्सेसफुल एथलीट ठीक है इसके बाद क्या होता है टैलेंट डेवलपमेंट होता है तो पहले आइडेंटिफिकेशन होगा फिर डेवलपमेंट होगा अब देखो आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट जो है वो पांच स्टेजेस में हमें देखने को मिलता है सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले टैलेंट डिटेक्शन होगा डिटेक्शन का मतलब जहां पे आप टैलेंट को डिटेक्ट करोगे डिस्कवरी होगी सबसे पहले परफॉर्मर की कि यार ये अच्छा कर सकता है उसके बाद आइडेंटिफिकेशन होगा उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा ढूंढा जाएगा रिकॉग्नाइज किया जाएगा उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा अब सर डेवलपमेंट क्या होता है डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अब उसको लर्निंग्स देना स्किल्स देना नई चीज़ें सिखाई जानी नए नए उसको इक्विपमेंट्स देने एडवांस ट्रेनिंग दी जानी ये सारा डेवलपमेंट हो रहा है तो प्रोवाइड एथलीट्स विद लर्निंग एनवायरमेंट टू एक्सेलरेट और रियलाइज देयर पोटेंशियल फिर उस टैलेंट का सेलेक्शन हो जाता है पर्टिकुलर टीम्स में पर्टिकुलर लेवल्स पे एंड देन ट्रांसफर होता है ट्रांसफर का मतलब एक स्पोर्ट से दूसरे स्पोर्ट में भी जाना आप देखोगे बहुत सारे क्रिकेटर्स गोल्फ भी खेलते हैं स्विमिंग भी करते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं तो कई बार टैलेंट ट्रांसफर भी हो जाता है एक स्पोर्ट से दूसरे स्पोर्ट में ठीक है तो ये हमारे पास पूरा का पूरा कुछ टर्म्स है जो स्टेजेस भी कहलाई जाती हैं सही है जी परफेक्ट है चलो सर टैलेंट आइडेंटिफ़िकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है देखो अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तभी तो आप डिस्कवर कर पाओगे ग्रेट टैलेंट को जैसे हमारे क्रिकेट में महान बल्लेबाज़ सचिन तेंदुलकर आइडेंटिफाई हुए तभी तो डिस्कवर कर पाए रिकॉग्नाइज कर पाए हम उनको अच्छे बड़े स्टेज पे रिकॉग्नाइज करने के बाद जो चिल्ड्रन है वो बड़े लेवल तक भी जा सकते हैं अगर छोटे लेवल पे ही उनको पहचान लिया जाता है जब बच्चे स्कूल लेवल पे खेलते हैं अप्रिशिएट किया जाता है उनको तो फिर वो आगे फर्दर बड़े बड़े लेवल्स पे डिस्ट्रिक्ट लेवल नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक भी खेल के आ जाते हैं परफेक्ट है सही है जी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं तो देखो हम लोग बोलते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ कैटेगरीज होती हैं जैसे सबसे पहले फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट फिजियोलॉजिकल में हम उनको ओवरऑल चेक करते हैं कैसे सोचता है कैसे चलता है किस तरीके से रिएक्ट करता है पर्सनालिटी किस तरीके की है स्पोर्ट्स के लिए फ़िट है या नहीं है तो सब चेक कर लेना वो फिजियोलॉजिकल में आ गया फिर हम सिर्फ फ़िज़िकल एबिलिटीज़ देख लेते हैं फिजिकल एबिलिटीज़ का मतलब जिस स्पोर्ट्स के लिए हम प्लेयर को ले रहे हैं क्या वो फ़िज़िकली इतना फ़िट है उसके बाद हम साइकोलॉजिकल यानी मेंटली फ़िट है या नहीं है टेक्नोलॉजिकल उसकी टेक्निक कैसी है कितना एक प्लेयर टेक्निकली साउंड है कितना अच्छा टेक्निक से खेल रहा है उसके बाद रिजल्ट्स कैसे हैं यानी आज से पहले जहां जहां खेला है वहां पे कैसा परफॉर्म किया है और इसके बाद इंटेंजिबल्स इंटेंजिबल्स का मतलब जो चीज़ें हम देख नहीं पाते समझ नहीं पाते उसका इंटेलिजेंस कैसा है उसका किस बिहेवियर में कैसा रिएक्ट करना है रिएक्शन एबिलिटीज़ क्या है ये सब हमारे पास इंटेंजिबल्स में आ जाता है ठीक हो गया अच्छा जी अब इसके बाद बच्चों हमारे पास स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट आता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल क्या होता है सर इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ तो देखो जब भी एक एथलीट का डेवलपमेंट करना है आइडेंटिफिकेशन हो गया डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट करने के लिए उसको किसी ना किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना पड़ेगा अब ट्रेनिंग प्रोग्राम से जब एक बच्चा गुजरेगा तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसको लगाना पड़ेगा एफर्ट मेहनत लगानी पड़ेगी उसको स्टेप्स लगेंगे तो उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो एक पर्टिकुलर साइकिल से होती है ठीक है सबसे ऊपर आता है हमारे पास मैक्रो फिर आता है मीजो फिर आता है माइक्रो जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूं कि हमने एक पूरा ईयर का उसका ट्रेनिंग प्लान बनाया ठीक है तो उसको हम मैक्रो प्लान बोल देंगे कि भैया ये एक साल का है उसके बाद हमने उसको ब्रेक डाउन करा कि हर महीने वो कितना काम करेगा कौन सी ट्रेनिंग होगी कौन कौन से इक्विपमेंट चूज होंगे उसको एक महीने में कितनी बार ग्राउंड आना है कितनी बार उसको जिम में ट्रेनिंग करनी है तो हमने इस एक ईयर को तोड़ दिया एक एक महीने में वन मंथ month. तो मंथली टारगेट्स होते हैं तो उसको मीजो बोल दिया उसके बाद फिर इस मंथ को भी हमने थोड़ा वीक्स में वीक्स या फिर डेज में में कि भैया एक हफ्ते में कितना तो ये हो गया हमारे पास माइक्रो तो जब भी मैं ट्रेनिंग साइकिल की बात करूंगा तो ट्रेनिंग साइकिल इस तरीके से डिवाइडेड होती है सबसे बड़ा होता है मैक्रो उससे छोटा होता है मीजो उससे छोटा होता है माइक्रो ठीक है देखो माइक्रो में क्या होता है ड्यूरेशन ऑफ साइकिल इज थ्री टू टेन डेज वही एक हफ्ते हफ्तों के अंदर जो चीज़ें करी जाती हैं वो कंसिडर्ड एज द शॉर्टेस्ट साइकिल ऑफ ट्रेनिंग सही हो गया ये हमारे पास माइक्रो में चल जाता है उसके बाद हमारे पास मीज़ो की अगर हम बात करें तो मीज़ो इज थ्री टू सिक्स वीक्स थ्री टू सिक्स वीक्स का मतलब लगभग एक महीने का जो महीने के हिसाब से देखी जाती है उसको हम मीज़ो साइकिल बोल देते हैं ठीक है ये होती है मीडियम ड्यूरेशन की पर्पस क्या होता है स्पेसिफिक ट्रेनिंग टास्क लर्निंग एंड एक्वायरिंग मास्टरी ऑफ स्किल्स मेंटेनेंस ऑफ परफॉर्मेंस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस कोई भी तीन पॉइंट्स आप याद रख सकते हो उसके बाद इससे भी छोटी कौन सी होती है हमारे पास सॉरी इससे भी बड़ी कौन सी होती है हमारे पास मैक्रो मैक्रो कौन सी होती है बच्चों तीन से बारह महीने की बेसिकली बड़े लेवल की जो सबसे बड़ी ट्रेनिंग साइकिल होगी उसको हम मैक्रो बोल देंगे जो सबसे बड़ी है मैक्रो उससे छोटी मीजो सबसे छोटी माइक्रो ठीक है जी ये इसमें क्या आता है ड्यूरेशन इज थ्री टू एंड इज ट्वेल्वर्ड द मोस्ट एक्सटेंडेड साइकिल ऑफ ट्रेनिंग ठीक हो गया द दर्पज इज टू इनेबल द स्पोर्ट्स पर्सन टू इंप्रूव दमेंसिटी टू पिट अप एंड ऑप्टीमल पर आप लोग देखते हो ना बेसिकली ओलंपिक चार साल में एक बार आ रहा है राइट अब चार साल बाद जब ओलंपिक आएगा तो फिर उस सिनेरियो में सबसे पहले तो एक मैक्रो ट्रेनिंग साइकिल बनी होगी कि चार साल में कैसे परफॉर्म करना है फिर उसकी मीजो बनी होगी छोटी छोटी कि भैया ईयरली कैसे करना है मंथली कैसे करना है फिर माइक्रो बनी होगी कि वीकली कैसे करना है तो इस तरीके से ट्रेनिंग साइकिल्स या ट्रेनिंग सर्किट्स डिफाइन करे जाते हैं ठीक है इसके बाद आता है बच्चों अब हमारे पास कॉम्पोनेट्स ऑफ ट्रेनिंग अब देखो कॉम्पोनेट्स ऑफ ट्रेनिंग की जब मैं बात करूंगा तो हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे स्ट्रेंथ के बाद बच्चों हम लोग एंड्योरेंस की बात करेंगे एंडस के बाद हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड की बात करेंगे एंड के बाद हमारे पास आ गया आजा भाई आजा भाई आजा भाई स्पीड और स्पीड के बाद हम लोग बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है तो हम लोग को मेजर ट्रेनिंग में चार चीजों का ध्यान रखना है चार चीजों के बारे में पढ़ना है सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है सबसे पहले आ रहा है हमारे पास स्ट्रेंथ देखो आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो तो जोर लगता है चाहे आप क्रिकेट खेलो चाहे आप फुटबॉल खेलो चाहे आप हॉकी खेलो चाहे आप वेट ट्रेनिंग करो चाहे आप स्विमिंग करो जोर लगेगा तो जितना जोर लगता है उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं जितनी ज्यादा आपकी मसल्स में जान होगी उतना आप जोर लगा पाओगे उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे तो स्ट्रेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं ठीक है तो स्ट्रेंथ है क्या वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल मोटर ऑफ फिटनेस एंड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्पोर्टिंग इवेंट्स सही है द अमाउंट ऑफ फोर्स मसल कैन प्रोड्यूस टू कंप्लीट अ टास्क इज नोन एज स्ट्रेंथ सिंपल सही है कितना फोर्स आपका मसल लगा रहा है एक टास्क को पूरा करने के लिए उसको हम स्ट्रेंथ बोल देते हैं अब स्ट्रेंथ कितने तरीके की है सर स्ट्रेंथ होती है बच्चों दो तरीके की एक होती है डायनेमिक स्ट्रेंथ एक होती है स्टेटिक स्ट्रेंथ डायनामिक स्ट्रेंथ होती है बच्चों जो आपको आंखों से दिखाई देती है स्टेटिक स्ट्रेंथ होती है जो आपको आंखों से दिखाई ही नहीं देती ठीक है मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि कोई स्ट्रेंथ लग रही है बट तब भी स्ट्रेंथ लग रही है राइट right? जैसे फॉर एग्जाम्पल पुशअप्स और पुलअप्स करो आप पुशअप्स करो या पुलअप्स करो तो देखेगा कि हाँ भाई जोर लग रहा है और मूवमेंट हो रहा है तो स्ट्रेंथ लग रही है जोर लग रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं डायनामिक डायनामिक का दूसरा नाम होता है आइसोटोनिक वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है बेटा तो जो दिखाई देगा उसको बोलेंगे आइसोटोनिक स्ट्रेंथ अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं इस पर्टिकुलर बोर्ड को पूरा जोर लगा के पुश कर रहा हूं पूरा जोर लगा के पुश कर रहा हूं ठीक है या किसी वॉल को पूरा जोर लगा के पुश कर रहा हूं तो ऐसा लगेगा कि बस मैं हाथ रख के खड़ा हुआ जबकि मैं पूरा जोर लगा रहा हूं तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वो नजर नहीं आ रहा लेकिन तब भी स्ट्रेंथ लग रही है है ना तो उसको हम लोग बोल देते हैं स्टेटिक स्ट्रेंथ परफेक्ट हो गया डायनामिक स्ट्रेंथ कौन सी होती है जो आपको दिखाई देती है आपके सामने होती है आप देख पाते हो कि जोर लग रहा है स्टेटिक होती है जिसमें पता नहीं चलता लेकिन तब भी स्ट्रेंथ लग रही होती है समझ गए देखो पुशअप्स पुलअप्स एग्जाम्पल हो गया हमारे पास डायनामिक स्ट्रेंथ के ठीक है अब डायनामिक स्ट्रेंथ भी मेनली बच्चों तीन तरीके की होती है मैक्सिमम एक्सप्लोजिव और स्ट्रेंथ एंडियोरेंस अब देखो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है जब आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो और आपके अंदर जितना जोर है ना आप सारा लगा दो तो वो हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ में कंसिडर करते हैं जैसे यहां पे देखो डेडलिफ्ट समझते हो अब डेडलिफ्ट में मुझे वेट लिफ्ट करना है और एक ही बार उठाना है बस ठीक है है तो मैं क्या करूंगा जितना मेरे में जोर है, सारा लगा के वो बार उठा लूंगा तो उसको क्या बोलूंगा मैंने अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा दी तो उस मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है जब आप फोर्स लगाते हो अपने मैक्सिमल एफर्ट के साथ प्लीज इसको ध्यान रखना ठीक है मैक्सिमम स्ट्रेंथ मींस एक्सर्टिंग फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन द एफर्ट परफेक्ट हो गया स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता बट या पार्ट ऑफ गेम्स है तो आपको मैंने बता दिया स्ट्रेंथ लगाना विद स्पीड एक्सप्लोजन होना बहुत तेजी से आपने जोर लगाया ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं अगर आप स्पीड के साथ स्ट्रेंथ लगाते हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो बहुत सारे स्पोर्ट्स में सपोज आपको किक करना है तो आप पूरी तेजी से फुटबॉलर भागा आएगा स्पीड से और फिर जोड़ लगा किक करेगा तो खड़े खड़े उसने मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं लगाई पूरी स्पीड मेंटेन करके है ना तब स्ट्रेंथ लग रही है राइट right. तो इसको हम क्या बोल देते हैं हमारे पास एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ठीक है दिस स्ट्रेंथ इज मेनली इन वॉलीबॉल अब देखो वॉलीबॉल में पूरे जोर से कूद के स्पीड से पुश करेगा है ना तो वो हो गया बास्केटबॉल में जंप हो गई स्प्रिंट इवेंट हो गए जिसमें बहुत तेजी से भागना है तो so, स्पीड के साथ स्ट्रेंथ लग रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ तीसरा क्या होता है बच्चों स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड कॉम्बिनेशन है किस चीज का स्ट्रेंथ जोर भी लग रहा है और लंबे समय तक लग रहा है, है ना अब देखो सबसे पहला तो हो गया कि एक ही बारी में मैक्सिमम लगा दिया वो तो हो गया मैक्सिमम दूसरा हो गया कि स्पीड के साथ लगाया उसको हो गया एक्सप्लोजिव अब तीसरा होता है कि भैया लंबे समय तक जोर लगा के रखना है जैसे स्विमिंग में आप स्विम कर रहे हो तो जोर लग रहा है स्ट्रेंथ लग रहा है लेकिन उसमें आपका स्टेमिना भी चाहिए एंड्योरेंस भी चाहिए लंबे समय तक चलना है तो उसमें हम क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एंड्योरेंस कैन बी अ फॉर्म ऑफ स्टेटिक और डायनेमिक स्ट्रेंथ डिपेंडिंग अपॉन वेदर द मूवमेंट इज आइसोमेट्रिक और आइसोटॉनिक है ना द स्ट्रेंथ इज मेनली यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस जब आपको लंबे

आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस स्टैटिक स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड विद डायनेमोमीटर दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉट सीन डायरेक्टली आपको डायरेक्टली नहीं दिख रही होती लेकिन तब भी काम कर रही होती है इस चीज को प्लीज माइंड में सेट रखना ओके अच्छा सर अब सर डेवलप कैसे करी जा सकती है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप किया जा सकता है तो सबसे पहली होंगी बच्चों आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस आइसोमेट्रिक देखो ऊपर भी आया था ना हैं स्टेटिक को आइसोमेट्रिक किसको बोलते हैं हम लोग स्टेटिक को तो ऐसी एक्सरसाइजेस जो जब आप करते हो तो पता नहीं चलता लेकिन वो फिर भी आपकी स्ट्रेंथ डेवलप करने में हेल्प करती हैं उसको हम लोग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं ठीक हो गया जैसे आप प्लान करते हो प्लान करते हो तो आपकी कोर स्ट्रेंथ डेवलप होती है ना पता नहीं चल रहा होता इस तरीके से आप वॉल के अगेंस्ट जैसे ये चिंटी बैठी है वॉल के अगेंस्ट बैठी हुई है ठीक है तो तब भी स्ट्रेंथ इसकी डेवलप हो रही है लेकिन पता नहीं चल रहा तो ये इस तरीके examples के एग्जाम्पल्स होते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के द एक्सरसाइजेज दैट आर नॉट विजिबल एज देर आर नो डायरेक्ट मूवमेंट कोई डायरेक्ट मूवमेंट नहीं है देर फॉर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कैन नॉट बी ऑब्जर्व टेंशन अगेंस्ट द अदर ग्रुप ऑफ मसल ठीक हो गया चलो भाई ये तो होगी आइसोबेट्रिक आइसोटॉनिक कौन सी होंगी जो आपको दिखाई देगी बिल्कुल सामने सामने से दिखाई देगी उसको क्या बोलोगे आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस जितनी भी एक्सरसाइजेस आप रनिंग uh, कर रहे हो आप साइकिलिंग कर रहे हो तो आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है डे टू डे डेवलप हो रही है है ना आप जिम में मसल्स उठाते उठाते हो वजन उठाते हो वजन तो मसल्स डेवलप हो रही है स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है और मूवमेंट भी दिखाई दे रही है तो वो सारी कौन सी एक्सरसाइज है सब आइसोटोनिक एक्सरसाइज है वेट ट्रेनिंग हो गई कैलेस्थेनिक्स हो गई ये होती है आइसोटोनिक तीसरी होती है बच्चों आइसोकाइनेटिक आइसोकाइनेटिक का क्या मतलब होता है आइसोकाइनेटिक का मतलब होता है देखो अब आइसोमेट्रिक में क्या हो गया आइसोमेट्रिक में आपने देखा कि मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा तब भी आपके पास क्या strength develop हो रही है स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है राइट तो वो तो सबसे पहली हो गई दूसरी कौन सी हो गई आइसोटॉनिक में क्या हुआ Isotonic में फुल रेंज ऑफ मोशन है आप भाग रहे हो तो पूरा बॉडी मूव कर रहा है स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है ना स्विमिंग कर रहे हो पूरा बॉडी मूव कर रहा है स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है अब तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक आइसोकाइनेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जैसे आप एक जगह फिक्स्ड बैठ गए जैसे यहां पे देखो ये लेग्स का वर्कआउट कर रहा है भाई साहब ठीक है लेग्स का वर्कआउट कर रहे हैं और ये फुल ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन एक जगह बैठ गए बस एक जगह बैठ गए फिर उसके बाद एक पैर उठा रहे हैं फिर नीचे कर रहे हैं फिर उठा रहे हैं फिर नीचे कर रहे हैं फिर उठा रहे हैं फिर नीचे कर रहे हैं मतलब इनके पास जो रेंज ऑफ मोशन है वो बस एक मसल पे फोकस्ड है पूरी बॉडी स्टेटिक है पूरी बॉडी वहीं स्टिल है सिर्फ एक मसल पे फोकस्ड है और बस उसी में स्ट्रेंथ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक तरीके दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है ना तो इसको क्या बोलते हैं हम आइसो इनेटिक वॉज इंट्रोड्यूसड बाई जे जी पेरा जनरली एंड स्विमिंग ऑन स्पेशली डिजाइंड इक्विपमेंट स्पेशली डिजाइंड इक्विपमेंट में होता है और उसको बोला जाता है आइसो काइनेटिक कॉन्ट्राडिक्शन परफेक्ट है जी सही हो गया तो दैट वॉज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ बच्चों अब आ रहा है हमारे पास एंड सर क्या होगा एंड्योरेंस एंड्योरेंस के बारे में बता दो वो एंडोरेंस की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि एक इंसान कब तक थकान से लड़ सकता है मतलब कब तक वो थक नहीं रहा वो खेल रहा है अच्छे से खेल रहा है खेल रहा है खेल रहा है अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रनिंग करते हैं सौ मीटर में थक जाएंगे कुछ 200 में थक जाएंगे कुछ 300 में थक जाएंगे कुछ 400 तक भागेंगे तो हर इंसान की एबिलिटी होती है फटीक से लड़ने की थकान से लड़ने की उसको हम क्या बोल देते हैं एंडियोरेंस सीधी सीधी सी बात है तो द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू मेंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी फॉर अ मोर एक्सटेंडेड पीरियड इट इज द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी कितने लंबे समय तक आप किसी एक्टिविटी को कर सकते हो उसको हम एंड्योरेंस बोल देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक्टिविटी में इट इज इधर मेजर्ड बाई नंबर ऑफ रेपिटिशन

जनरल हो गया और स्पेसिफिक हो गया ठीक है जनरल इंड्योरेंस का बच्चों किसी स्पोर्ट्स से कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है जनरल इंड्योरेंस सबके अंदर होता है अगर आप देखोगे कि हमारे घर पे हमारी मम्मी इतनी मेहनत करती हैं इतना एफर्ट लगाती हैं डेली बेसिस पे कभी कपड़े सुखा रही हैं छत पे कभी आ, कुछ क्लीनिंग कर रही है

स्पेसिफिक टू एनी स्पोर्ट एंड कैन बी डेवलपिंग हमारे पास आता है बेसिक इंडियोरेंस बेसिक इंड्योरेंस किसके लिए होगा बेटा जितने भी स्पोर्ट्स या जितने भी गेम्स थर्टी मिनट तक के लिए आपको इंड्योरेंस की जरूरत है बेसिक जॉगिंग हो गया बेसिक रनिंग हो गया जो यूजली हम लोग देखने को मिलते हैं कि इनिशियल

अगर कोई क्रिकेटर टेस्ट मैच खेल रहा है तो उसको पता है सुबह नौ बजे चालू होगा शाम को पांच बजे तक अगर मुझे बैटिंग करनी है तो मुझे एंड चाहिए है।, है ना तो उसने उस हिसाब से मेहनत करी है तो जब आप किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट के लिए अपना एंडोरेंस डेवलप करते हो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एंडोरेंस ठीक हो गया देखो सर दिस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पोर्ट टू रेजिस्ट फटीक ओके तो जनरल हो गया जो जनरली हर स्पोर्ट में चाहिए ही चाहिए बेसिक हो गया तीस मिनट तीस मिनट के आसपास स्पेसिफिक हो गया जो आपने किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए खुद को रेडी करा है अब ड्यूरेशन पे आ जाते हैं ड्यूरेशन में बच्चों हमारे पास टाइम पीरियड बेसिस एंड्योरेंस होता है स्पीड एंड्योरेंस क्या होता है स्पीड एंड्योरेंस का मतलब होता है कि अगर आपको कोई एक्टिविटी स्पीड से करनी है काफी तेजी से करनी है विद मेंटेनेंस ऑफ योर मेंोरेंस आपने करनी भी तेजी से और आप थको भी ना उसको हम क्या बोलेंगे स्पीड टू रेजिस्ट इन एक्टिविटीज एट लास्ट एंडिकल एक्टिविटीजी फाइव सेकंड पैंतालीस सेकंड के लिए उसको हम क्या बोल देते हैं स्पीड एंड्योरेंस ठीक है फोर्टी फाइव सेकेंड से दो मिनट के लिए अगर कोई हो कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर 45 सेकंड से दो मिनट तक की एक्टिविटी है उसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं इसका एग्जांपल क्या हो सकता है 800 मीटर का रन हो सकता है मीडियम टर्म हम बोलेंगे बेसिकली दो मिनट से ग्यारह मिनट तक दो मिनट से ग्यारह मिनट तक का मीडियम टर्म इसका एग्जाम्पल हो सकता है पंद्रह मीटर से तीन मीटर तक की रन ठीक है और लॉन्ग टर्म हो गया जो 11 मिनट से भी ज्यादा टाइम के लिए आपको चाहिए ठीक है जैसे हम बड़े बड़े मैराथन बोलते हैं क्रॉस कंट्रीज बोलते हैं तो इस तरीके की एक्टिविटीज जब टाइम के बेसिस पे हम इंडरेंस को देखते हैं तो हम बोलते हैं स्पीड सबसे छोटा फिर शॉर्ट टर्म फिर मीडियम टर्म और फिर लॉन्ग टर्म ठीक हो गया बेटा ये टाइम बेसिस पे हो गया तो एक्टिविटी बेसिस पे भी देख लिया टाइम बेसिस पे भी देख लिया सर बेसिसोरेंस कैसे डेवलप होगा अब एंड डेवलप करने के लिए बच्चों हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेस हैं कुछ मेथड्स हैं जिसमें सबसे पहला होता है कॉन्टिन्यूस मेथड अब ये ध्यान रखना एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज बताई गई है वो रनिंग बताई गई है तो जितनी भी एक्टिविटीज है उसके अंदर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं रनिंग इन्वॉल्व है टू डेवलप एंड्योरेंस सबसे पहला है कॉन्टिन्यूस कंटिन्यूस में आपको कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक भागते ही रहना है टू डेवलप योर एंड कंटिन्यूअसली कोई भी स्पोर्ट परफॉर्म करना है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है टू डेवलप योर एंड जो भी होगा कंटिन्यूस होगा रुकना नहीं है दूसरा होगा इंटरवल इंटरवल में आप ब्रेक्स ले लेके करोगे कि भैया आप दस मिनट को एक्टिविटी करी या ज, 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 जिम का एग्जाम्पल ले लो आप मसल डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज करते हो जब आपका एक सेट पूरा हो जाता है फिर आप ब्रेक लेते हो दो मिनट का फिर आप अगला सेट करते हो फिर आप दो मिनट का ब्रेक लेते हो फिर आप अगला सेट करते हो तो बेसिकली वो इंटरवल मेथड है ठीक है और ऐसे ही रिपीटेशन मेथड होता है कि एक एक्टिविटी एक को बार बार रिपीट करना एक बार दो बार चार बार दस बार बीस बार सौ बार करते रहना है ना वो एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी जिसके अंदर वो फाइटर बना हुआ था है ना चांदनी चौक चु चाइना था शायद उसका नाम तो उसमें वो बोलता है कि हमें तुम्हारे उन 200 मूव से डर नहीं लगता जो तुमने एक एक बार प्रैक्टिस करा है हमें तुम्हारे एक मूव से डर लगता है तुमने 200 बार प्रैक्टिस करा है तो आई गेस वहीं पे बार 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 करने की इंपॉर्टेंस को समझाया गया है है ना तो वो रिपीटिशन मेथड हमें हेल्प करता है क्या डेवलप करने में एंड डेवलप करने में ठीक है आओ अब इसको पढ़ते हैं सबसे पहले आ गया हमारे पास कॉन्टिन्यूअस मेथड एज द नेम सजेस्ट दिस मेथड इज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूटी आपको कॉन्टिन्यूटी के साथ कोई चीज करनी है इन दिस मेथड एंड एक्सरसाइज इज डन फॉर अ लॉन्गर टाइम विदाउट एनी रेस्ट कोई रेस्ट नहीं होना चाहिए अब इसकी कैटेगरीज है क्या कैटेगरीज है सबसे पहला है हमारे पास स्लो कॉन्टिन्यूअस मेथड अब इसके अंदर बच्चों मैंने काफी डिटेल लिखा है आपको इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है दो दो पॉइंट याद कर लेना इनफ रहेंगे ओके तो स्लो सबसे पहले आता है स्लो सर स्लो कॉन्टिन्यूस कौन सा होता है द एक्टिविटीज एट अ सर्टेन स्पीड विदाउट एनी ब्रेक फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन अब देखो इसके अंदर हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलना है या तो वॉकिंग है या रनिंग है या साइकिलिंग है तो अब लंबे ड्यूरेशन के लिए करना है ज्यादा समय के लिए करना है इसलिए स्लो है है ना भाई तुम्हें अगर आ, दो मिनट साइकिल चलानी है तुम फास्ट चला सकते हो लेकिन अगर तीस मिनट चलानी हो तो कैसे फास्ट चलाओगे थक जाओगे तो अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है तो स्लोली स्लोली धीरे धीरे करना पड़ता है राइट right? तो यहां पे लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है इसलिए इसको स्लो कॉन्टिन्यूस बोलते हैं ठीक है ड्यू टू रिलेटिवली लो इंटेंसिटी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन इफेक्ट इज लिमिटेड मेनली टू मसल्स बट देर आर फ्यू साइकिक एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन मेटाबॉलिज्म ठीक है इससे क्या होगा आपका मसल ग्लाइकोजन डेवलप होगा लीवर ग्लाइकोजन डेवलप होगा कैपिलराइजेशन अच्छे से हो जाएगा कैपिलरीज ग्रो करेंगी ब्लड अच्छे से फ्लो करेगा पूरी बॉडी में इंक्रीज नंबर एंड साइज ऑफ माइटो आपके सेल्स अच्छे से डेवलप होंगे थर्मल रेगुलेशन भी इंप्रूव होंगे तो पांच चार पॉइंट्स है दो से तीन पॉइंट आप याद रख सकते हो उसके बाद होता है बच्चों फास्ट कॉन्टिन्यूस फास्ट कॉन्टिन्यूस होता है कि आपको तेजी से भागना है या जो भी काम करना है फास्ट करना है अब देखो फास्ट है तो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा स्लो में टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है फास्ट में टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है तो यहाँ क्या है द एक्टिविटीज परफॉर्म कम्पेरेटिवली फास्ट बट द स्पीड रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ट्रेनिंग हार्ट रेट कितना जाता है 160 से 180 बीट्स पर मिनट पे चला जाता है क्योंकि फास्ट हो रहा है ना तो हार्ट तो तेजी से बीट करेगा राइट right, तो 160 से 180 बीट्स पर मिनट चला जाता है बिकॉज द इंटेंसिटी इज हाई ठीक हो गया परफेक्ट है चलो भाई आ, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं फिर से तीन चार पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने कोई भी आप दो से तीन पॉइंट्स याद रख सकते हो उसके बाद आता है वेरिएबल पेस मेथड वेरिएबल पेस मेथड में अब हम क्या करते हैं बच्चों देखो वेरिएबल है वेरिएबल का मतलब कभी कम कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा है ना थोड़ा सा तेज भागे थक गए स्लो डाउन कर लिया फिर थोड़ी तेज भागे थक गए फिर स्लो डाउन कर लिया तो इस तरीके से वेरिएबल है ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है इन दिस मेथड एक्टिविटीज परफॉर्म एट अ चेंजिंग पेस बट दिस चेंज इन स्पीड इज प्री प्लान अब देखो ये आपको पहले से पता होता है कि मैं पांच मिनट तेज भागूंगा फिर दो मिनट स्लो डाउन कर लूंगा फिर अगले पांच मिनट तेज भागूंगा फिर तीन मिनट स्लो डाउन कर लूंगा फिर अगले पांच मिनट तेज भागूंगा फिर चार मिनट स्लो डाउन कर लूंगा तो मैंने पहले से प्लान किया हुआ है कि मुझे किस तरीके से कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, इन वेरिएबल स्पीड है ना तो ये आ जाएगा आपके पास वेरिएबल पेस मेथड द हार्ट रेट रेंजेस बिटवीन वन से वन अब देखो लोएस्ट पे 140 गया क्योंकि आप स्लो डाउन भी करोगे हाईएस्ट पे 180 गया क्योंकि आप हाई इंटेंसिटी के साथ भी करोगे ठीक है ड्यूरिंग दिस मेथड ड्यूरेशन ऑफ दिस मेथड फ्रॉम 15 मिनट्स टू 1 आवर 15 मिनट से 1 आवर हो सकता है इसमें भी वही सारे इफेक्ट्स वही ग्लाइकोजन बढ़ गया माइटोकॉन्ट्रिया uh, का साइज डेवलप हो गया हार्ट एंड लंग्स की एफिशिएंसी बेटर होगी विल पावर बेटर होगी ठीक है ना तो ये आपको पता होना चाहिए फोर्थ आता है बच्चों हमारे पास फाटलेक मेथड -like जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सावधान इंडिया बहुत ध्यान से करना है आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दिस इज सावधान इंडिया सवाल अब ये जो फाटलेक मेथड -like है बच्चों ये भी हमारे पास वेरिएबल का ही पार्ट है अभी आपने वेरिएबल पढ़ा ना पीछे भाई एक तो हो गया थोड़ा सा शुरू से ही स्लो चलना है एक हो गया थोड़ा सा तेज चलना है एक वेरिएबल है ऊपर नीचे ऊपर नीचे एंड डेवलप करने के लिए फाटलेक -like भी वही है फाटलेक -like भी वेरिएबल होता है लेकिन जो एग्जैक्ट वेरिएबल था उसके अंदर आपने सब कुछ प्री प्लान करा हुआ था है ना मिनट तेज चलूंगा, फिर एक स्लो फिर तेज, फिर दो मिनट स्लो फिर तेज, फिर तीन मिनट स्लो मैंने सब कुछ प्री प्लान करा हुआ था इसमें कुछ प्री प्लान नहीं होता इसमें मेरी स्पीड ऊपर नीचे होगी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन डिपेंडिंग ऑन इक्विपमेंट्स डिपेंडिंग ऑन ग्राउंड कैसा है डिपेंडिंग ऑन गेम कैसा चल रहा है उस हिसाब से मैं स्लो डाउन करूंगा अपने आपको अपनी एक्टिविटी को तो उसको हम क्या बोल देते हैं फाटलेक मेथड फाटलेक इज अ स्वीडिश वर्ड स स्पीड प्ले स्पीड प्ले का मतलब ये है कि हम स्पीड के साथ गेम करेंगे ऊपर नीचे करेंगे इन अदर वर्ड्स इट इज एन अनदर वेरिएशन ऑफ द वेरिएबल पेस मैथड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज फाटलैक मैथड द स्पीड वेरिएशन इज नॉट प्लैंड तो अगर आप फाटलेक लिखोगे तो फाटलेक में भी आपको लिख के आना होगा कि इन दिस मैथड टू डेवलप एंड वी विल बी कंसिडरिंग वेरिएबल स्पीड ठीक है समटाइम्स इट कीप्स ऑन इनक्रीजिंग एंड देन इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग अकॉर्डिंगली हम लोग ऊपर नीचे करते हैं बट दिस इनक्रीज और डिक्रीज इज नॉट प्री प्लान प्री प्लान नहीं होगा ओके दैट लीड चेंजेज द स्पीड ऑफ द ओन अकॉर्डिंगली किसके साथ चेंजेस इन टेरेन सराउंडिंग्स फीलिंग्स बहुत सारी चीजों के साथ वो बहुत सारी चीजों को देख के अकॉर्डिंगली वो ऊपर नीचे देख के गेम करेगा ठीक है हार्ट रेट और ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग आर सिमिलर बिल्कुल वेरिएबल जैसा होता है इसमें भी वही 140 से 180 बीट्स पर मिनट तक जाएगा ओके okay. क्या क्या इफेक्ट्स होंगे वेट लॉस अच्छा जो इससे प्रमोट होता है वेट लॉस एक्सीलेंट टेस्ट है स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का आपकी स्पीड और रेस टैक्टिक्स डेवलप होते हैं आपका माइंड ओवर मैटर गेम डेवलप करता है इंक्रीजेस फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी आपकी फिजिकल मेंटल एनर्जी डेवलप करता है फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है तो काफ़ी अच्छा ये मेथड है टू डेवलप एंड्योरेंस ठीक हो गया चलो भाई इसके बाद अब इंटरवल मेथड आ गया इंटरवल में आपको क्या करना है बेसिकली रुक रुक के एक गेम खेलो फिर रुक जाओ फिर थोड़ा सा करो फिर रुक जाओ फिर थोड़ा सा करो फिर रुक जाओ तो ये बेसिकली इंटरवल मेथड होता है इन दिस मेथड या ये बोल दो इट इज द मोस्ट मेथड यूज फॉर इंप्रूविंग एंड्योरेंस बहुत वर्सीटाइल मेथड है एंडोरेंस को इंप्रूव करने के लिए इन दिस मेथड द एक्टिविटीज प्रैक्टिस विद इंटरवल्स और ब्रेक्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकवरी इसका मतलब हमने जिम में एक सेट परफॉर्म करा हम थक गए हमने फिर इंटरवल ले लिया एक ब्रेक ले लिया उसके बाद हमने फिर परफॉर्म किया उसके बाद हम फिर थक गए हमने फिर एक ब्रेक ले लिया तो हम टाइम देते हैं अपनी बॉडी को कूल डाउन होने का फिर उस चीज को परफॉर्म करते हैं विद मोर एनर्जी राइट तो इसको हम बोलते हैं इंटरवल मेथड ठीक हो गया वर्क शुड बी डन विद सफिशिएंट स्पीड एंड ड्यूरेशन सो दैट द हार्ट रेट गोज अप टू 180 बीट्स पर मिनट आफ्टर दिस देयर शुड बी अ शॉर्ट इंटरवल वर्क शुड स्टार्ट अगेन ठीक है इससे सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होता है एरोबिक कैपैसिटी ऑक्सीजन अच्छा सप्लाई होता है इम्प्रूव लैक्टिक एसिड टॉलरेंस लैक्टिक टॉलरेंट्स बेटर हो जाता है तो क्रैम्स व्राम्स नहीं आते और इम्प्रूव मैक्स परफेक्ट है जी चलो अब नेक्स्ट आता है रिपिटेशन मेथड रिपीटेशन मेथड में क्या होता है देखो इसके अंदर हम लोग बोलेंगे द रेपिटेशन मेथड इज करेक्टराइज दैट देंजेस फ्रॉम नाइनटी टू हंड्रेड परसेंट ऑफ वर्क विद एन इंटरवल ऑफ कंप्लीट रिकवरी इसका क्या मतलब है इसका मतलब है इसका मतलब है कि मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा जिसके अंदर मैं अपनी पूरी इंटेंसिटी लगा दूंगा पूरा यूज़ करूंगा अपनी एनर्जी का उसके बाद मैं एक रेस्ट लूंगा, जहां पे मैं अपने आप को पूरा टाइम दूंगा रिकवर करने के लिए लेट सपोज मैंने बोला कि मुझे 50 मीटर का एक को स्प्रिंट लगाना है ओहो ये फ्रैक्चर्ड हैंड भी कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ मैं तो 50 मीटर्स का अगर मुझे एक क्विक स्प्रिंट लगाना है तो मैं देखूँगा मैं कितने सेकंड्स में कर रहा हूँ फिर मैंने लिया उसके अंदर लेट सपोज फाइव मिनट्स का एक कूल डाउन टाइम जिसमें मेरी बॉडी आराम से रिकवर हो जाती है ठीक है फिर मैंने पचास मीटर फिर लगाया फिर मिनट का टाइम लिया, फिर पचास फिर लगाया, फिर मिनट, तो लगाया, है, है तो प्रयास कर रहा हूं है? तो मैं जो भी एक्टिविटी करूंगा बच्चों इंटेंसिटी के साथ करूंगा और एक इंटरवल लूंगा कंप्लीट रिकवरी के लिए ठीक है इससे भी वही सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आपने ऊपर पढ़े अब आ रहा है हमारे पास तीसरा एलिमेंट जो कि है स्पीड आप लोगों ने अब क्या क्या पढ़ लिया स्ट्रेंथ पढ़ लिया आप लोगों ने एंडोरेंस पढ़ लिया अब आ गया हमारे पास स्पीड तो सर स्पीड क्या होता है अब देखो बच्चों जब मैं स्पीड की बात करता हूं तो कोई भी काम कितने तेजी से आप कर रहे हो उसको स्पीड बोलते हैं है ना स्पोर्ट्स में स्पीड का बहुत रेलेवेंस होता है कोई भी स्पोर्ट आप खेलो वो अगर आप स्पीडिली नहीं करोगे जल्दी नहीं करोगे परफेक्शन के साथ तो आप हार जाओगे पीछे रह जाओगे तो सर स्पीड क्या है स्पीड हैज अ कॉम्प्लेक्स नेचर एंड डिपेंड्स कंसिडरेबली ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है तो जब भी आपको स्पीड की बात करनी है तो आपको अपना नर्वस सिस्टम डेवलप करना है आपका माइंड से कितने तेजी से रिएक्शन जा रहा है आपके नर्व

पूरी बॉडी को कि आपको कितनी तेजी से भागना है फिर अकॉर्डिंगली ही बच्चा भाग पाता है ओके चलो सर्टेन फैक्टर्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ एन इंडिविजुअल सच एज मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम मैंने आपको पहले बता दिया एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कितनी है है ना करेक्ट टेक्निक है या नहीं है बायोकेमिकल रिजर्व कितने हैं मेटाबॉलिक पावर कितनी है फ्लेक्सीबिलिटी कितनी है तो बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक ऐसे इंसान के जो बहुत तेजी से भाग रहा होता है अब स्पीड कितने तरीके की होती है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एक दो तीन चार पांच ओके okay, चलो सबसे पहले होती है रिएक्शन एबिलिटी रिएक्शन एबिलिटी का मतलब होता है कि आप कितने तेजी से रिएक्शन करते हो सपोज हम बॉक्सिंग खेल रहे हैं अब सामने वाले ने पंच किया और मुझे डिफेंस करना है तो मैं कितनी जल्दी डिफेंस करूंगा कितनी तेजी से अपने आप को बचाऊंगा वो मेरा स्पीड पे डिपेंड करता है है ना अब सामने वाले ने पंच किया और मैं नहीं मूव कर पाया स्पीडली तो मुझे लग जाएगा हिट हो जाएगा राइट तो स्पीड यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आता है रिएक्शन एबिलिटी रिएक्शन एबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली टू अ स्टिमुलस और अ सिग्नल है ना अग्नल सपोज मैंने कोई एक्शन uh, मैं एक पोजिशन में हूं ठीक है सपोज हंड्रेड मीटर रन है मैं पोजिशन में हूं सामने से विसल बजिया आवाज आई गो अब मैं कितनी तेजी से रिएक्ट करता हूं फिर से मेरी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा राइट तो देखो क्या लिखा हुआ है इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल डिफरेंट गेम्स ऑफ स्पोर्ट्स हैव अदर साइंस लाइक विजुअल ऑडिटरी टेक्टाइल टू नेम अ फ्यू ठीक हो गया परफेक्ट like है जी चलो रिएक्शन समझ गए एक्सेलरेशन एबिलिटी एक्सेलरेशन होता है जब आप लेट सपोज हम 800 मीटर रन कर रहे हैं

एबिलिटी टू अचीव अ हाई स्पीड आप वो एबिलिटी जिससे आप हाई स्पीड अचीव करते हो स्टेशनरी पोजिशन से परफेक्ट है तीसरा होता है हमारे पास मूवमेंट स्पीड मूवमेंट स्पीड का क्या मतलब होता है आप देखो मूवमेंट स्पीड का मतलब होता है कि आप कितनी तेजी से अपने सिंगल मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट पे शिफ्ट करते हो कम से कम टाइम में राइट मूवमेंट स्पीड कैन भी आईडेंटिफाइड एस अबिलिटी टू परफॉर्म अ सिंगल मूवमेंट इन द मिनिम पॉसिबल टाइम ठीक हो गया परफेक्ट हो गया तो ये हो जाता है हमारे पास कौन सी स्पीड मूवमेंट स्पीड कि आप कितनी तेजी से कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो चौथा होता है लोको मोटर एबिलिटी सर लोको मोटर एबिलिटी का मतलब क्या होता है लोको मोटर एबिलिटी का मतलब होता है कि आप कितनी जल्दी मैक्सिमम स्पीड में पहुंच पा रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं द लोको मोटर एबिलिटी देखो क्या है लोको मोटर एबिलिटी इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड कितनी जल्दी से आप अपनी मैक्सिमम स्पीड में पहुंच जाओगे उसको लोकोमोटर एबिलिटी बोलते हैं अब लोकोमोटर एबिलिटी में बेसिकली नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा रोल होता है उसके बाद एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा रोल होता है उसके बाद आपका एंड्योरेंस कोर्स अब देखो जब स्पीड की बात करते हैं ना तो जितने भी स्पीड वाले स्पोर्ट्स होंगे उसके अंदर एंड्योरेंस का रोल कंपेरेटिवली कम होगा क्योंकि वो लंबे समय तक नहीं खेले जाएंगे जहां पर भी तेजी से भागना है स्लो डाउन चलना अगर कोई स्पोर्ट स्लो है तो उसके अंदर एंड्योरेंस का रोल ज्यादा होगा क्योंकि वो लंबे समय के लिए होगा तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना तो लोकोमोटर एबिलिटी में क्या आता है द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड वैन इन मोशन फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन ठीक है इसके अंदर हंड्रेड मीटर टू मीटर ये यूजअली चलता है उसके बाद स्पीड एंड एंड्योरेंस अब देखो स्पीड भी और एंडोरेंस भी आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है और लंबे समय के लिए भी भागना है तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आएगा स्पीड एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड स्पीड एंड एंडोरेंस इट इज द एबिलिटी टू द मूवमेंट हाई स्पीड एंड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ठीक हो गया परफेक्ट हो गया तो देखो पांच हो गए सबसे पहला हमारा रिएक्शन कितनी तेजी से आप रिएक्ट करते हो एक्सलरेशन कब आप खुद को एक्सलरेट कर पाते हो मूवमेंट कितनी तेजी से आप कोई भी मूवमेंट करते हो लोको मोटर एबिलिटी आप मैक्सीम स्पीड कितने मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए ले सकते हो कितनी जल्दी ले सकते हो, हो जाएगा और स्पीड एंड ड्यूरेंस लंबे समय के लिए हो गया चलो भाई स्पीड डेवलप करने के लिए क्या करना है नंबर वन इज एक्सेलरेशन रन आप एक्सेलरेशन रन प्रैक्टिस कर सकते हो एक्सेलरेशन रन का मतलब होता है पहले थोड़ा धीरे 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 भागना फिर तेजी से भागना एक्जेलरेट करना इससे आपकी स्पीड डेवलप हो सकती है द एक्सेलरेशन रन आर यूजअली अडॉप्टेड टू डेवलप स्पीड स्पेशली इन अटेनिंग मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन फॉर एग्जाम्पल इन अ हंड्रेड मीटर स्प्रिंट रेस वी शुड ले स्ट्रेस ऑन टेक्निक ऑफ स्टार्ट एंड कंप्लीट रनिंग एक्शन सही है वी शुड प्रैक्टिस इट एट अ स्लो स्पीड पहले हमें स्लो स्पीड पर प्रैक्टिस करना चाहिए कि आ, मेरा स्टार्ट कैसा है ठीक है उसके बाद मैं कैसे खुद को एक्सिलरेट कर रहा हूँ किस तरीके से मैं सही पोजिशन में जा रहा हूँ किस तरीके से मैं अपनी बॉडी मूवमेंट्स को सही से यूज कर रहा हूँ इसके बाद हमारे पास आ गया पेस रन पेस रन में क्या होता है तेजी से भागना पेस रन मीन्स रनिंग द होल डिस्टेंस ऑफ अ रेस एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड एक्सेलरेशन तो क्या हो गया धीरे धीरे एक्सेलरेट करना है पेस रन होता है पूरी तेजी से एक ही स्पीड से भागना ये हमारा पेस रन का एग्जाम्पल हो जाता है ठीक हो गया बच्चों तो स्पीड डेवलप करने के लिए दो मेथड्स हैं एक्सेलरेशन और पेस रन उसके बाद हमारे पास आती है फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी आप यूजुअली योगा में देखते हो फ्लेक्सिबिलिटी आप यूजुअली अलग अलग स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में देखते हो लेकिन सबसे ज़्यादा हमें योगा में ही देखने को मिलती है यानी कितना अच्छे से आप अपने जॉइंट्स को मूव कर पा रहे हो कितने अच्छे से आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं फ्लेक्स हो रही हैं कितना अच्छे से सा आपके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं टू रीच द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेच

खुद से परफॉर्म कर सकते हो है ना विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प मतलब आप नॉर्मली अपनी बॉडीज को अपने जॉइंट्स को मूव कर पा रहे हो बड़े आसानी से ठीक है और आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है इस मूवमेंट के लिए उसको हम क्या बोलते हैं एक्टिव फ्लेक्सीबिलिटी हां जहां पे आपको कोई मूवमेंट के लिए किसी आउटसाइडर की किसी पार्टनर की किसी हेल्पर की किसी कोच की जरूरत पड़ती है वो कौन सी फ्लेक्सीबिलिटी होती है हमारे पास पैसिव फ्लेक्सीबिलिटी ठीक है द एबिलिटी टू द मूवमेंट विद विद ग्रेटर डिस्टेंस एक्सटर्नल हेल्प इसको हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं जैसे अगर आप कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हो विद हेल्प ऑफ अ पार्टनर तो उसको आप क्या बोलोगे पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी आओ देखो मैं आपको पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जाम्पल दिखाता हूं हम पिक्चर्स पे चलते हैं फटाफट से गूगल पे कहा है भाई तो ये आ गया बच्चों देखो हमारे पास

पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा होगा बच्चों पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का होगा द एबिलिटी टू डू द मूवमेंट विद ग्रेटर डिस्टेंस विद एक्सटर्नल हेल्प एक्सटर्नल हेल्प इसके अंदर आपको चाहिए ही चाहिए एक्टिव कौन सा होगा जो आप विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प कर रहे हो उसको हम क्या बोल देते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी अब एक्टिव में भी बेटा जी दो तरीके की फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं सबसे पहला होता है स्टेटिक दूसरा होता है डायनामिक स्टेटिक का क्या मतलब होता है और डायनामिक का क्या मतलब होता है स्टेटिक का मतलब होता है कि जहां पे आप एक स्टेटिक पोजिशन में हो लेकिन आपको तब भी फ्लैक्सीबिलिटी चाहिए जैसे आप डाइविंग कर रहे हो आप बैठे हो आप लेटे हुए हो है ना तो ये बेसिकली एक कैसी फ्लेक्सिबिलिटी है अगर आप बैठे भी हो तो भी आप फ्लेक्सिबल हो ना खड़े हुए बैठ गए खड़े हुए बैठ गए तो ये एक स्टेटिक फ्लेक्सिबिलिटी है राइट right? वहां भी आपके जो जॉइंट्स हैं जो मसल्स हैं उनको मूव करना ही पड़ेगा और दूसरी हमारी डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी कौन सी होती है जिसके अंदर आपको मूवमेंट करनी पड़ती है विद ग्रेटर डिस्टेंस जहाँ पे आपको डिस्टेंस चलना पड़ता है स्पोर्ट्स करना पड़ता है है ना तो वहां पे हम लोग किसकी बात करते हैं डायनेमिक फ्लेक्सीबिलिटी की आप किसी भी जिम में स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करते हैं स्ट्रेचिंग करते हैं कई बार जिम सेशन के बाद हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं तो वो डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाता है स्टेटिक आता है एक जगह टिक के एक जगह बैठ के सिंपल बेसिक आप मूवमेंट नहीं करोगे वो आपकी स्टेटिक फ्लेक्सीबिलिटी हो जाती है ठीक हो गया चलो भाई पैसिव समझ गए एक्टिव समझ गए ठीक है सर अब सर फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के हमारे पास इस तरीके के कुछ मेथड्स होते हैं जो हम वन बाय वन पढ़ना चालू करते हैं सबसे पहला हमारे पास मेथड कौन सा होता है सबसे पहला होता है बैलिस्टिक मेथड अभी जो बैलिस्टिक मेथड होता है ना बेटा ये बहुत ही बेसिक मेथड होता है अपनी ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव इंप्रूव करने के लिए सपोज मुझे शोल्डर की करनी है है ना तो मैं इस तरीके फ्लेक्टी राउंड शोल्डर्स को मूव करूंगा ठीक है एक बार क्लोकवाइज कर लिया एक बार एंटी क्लोकवाइज कर लिया इस तरीके से तो मैं देख पा रहा हूं कि मेरे अच्छे से पूरे के पूरे शोल्डर ज्वाइंट्स चल रहे हैं मसल्स चल रहे हैं तो मैं फ्लेक्सीबिलिटी इंप्रूव कर सकता हूँ इस तरीके से है ना आपने देखा होगा लोग जिम में जाके सबसे पहले इस तरीके से शोल्डर्स मूव करते हैं पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करते हैं अच्छे तरीके से तो तो ये मैं basically flexibility enhance करने के लिए कर रहा हूं, है ना तो स्विंग में परफॉर्म करी जाएगी इन वे तो जो भी स्विंग में हो तो उसको क्या बोलेंगे बैलिस्टिक द रिलेटेड ज्वाइंट इज अ स्विंग ओके हो गया दूसरा होता है स्टेटिक स्ट्रेचिंग अब सर स्टेटिक स्ट्रेचिंग क्या होता है स्टेटिक स्ट्रेचिंग होता है कि जब एक जगह खड़े होकर मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ ओके जैसे मैंने अभी करा कि मैं यहाँ खड़ा हो गया और मैं इस तरीके से स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूँ ठीक है अच्छे तरीके से एक एक पार्ट में अपना लेग को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो बेसिकली स्टेटिक स्ट्रेचिंग में आ जाता है जहां आप एक स्टिल पोजिशन में हो और एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करके आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो है ना स्टेटिक स्ट्रेचिंग मेथड इन्वॉल्व ग्रेजुअली ईजिंग इन टू द स्ट्रेच पोजिशन एंड होल्डिंग द पोजिशन ओके तीसरा होता है डायनेमिक स्ट्रेचिंग डायनेमिक स्ट्रेचिंग में फुल रेंज ऑफ मोशन होता है जैसे कंप्लीट आर्म स्विंग है कंप्लीट आर्म स्विंग कर रहा हूं मैं ठीक है पूरा का पूरा आर्म स्विंग कर रहा हूं हर तरीके से तो वो बेसिकली किस पे आ जाएगा डायनेमिक में आ जाएगा कंप्लीट आर्म स्विंग कंप्लीट लेग स्विंग पूरे अच्छे तरीके से फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ उसको हम क्या बोलेंगे डायनेमिक स्ट्रेचिंग उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास पीएनएफ पीएनएफ होता क्या है सर द प्रो प्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन

रिलैक्सेशन ठीक है पीएनएफ ध्यान रखना अकेले नहीं होगी कोई साथ में हेल्प करेगा और प्रो एथलीट्स इसको करते हैं ठीक हो गया चलो भाई इसके बाद होती है सर कॉर्डिनेटिव एबिलिटी कॉर्डिनेटिव एबिलिटी शब्द कहां से आया कोऑर्डिनेशन ठीक है जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन माइंड साथ में चलना चाहिए नर्वस सिस्टम अच्छा चलना चाहिए तो स्पोर्ट्स के अंदर अलग अलग चीजों का कोऑर्डिनेशन चाहिए अगर आपको किसी भी एक स्पोर्ट में एक्सेल करना है तो अगर आप सही में किसी एक स्पोर्ट में एक्सेल करना चाहते हो तो आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है तो सर है क्या कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच इनेबल द इंडिविजुअल टू डू वेरियस रिलेटेड एक्टिविटीज प्रॉपरली एज वेल एज एफिशेंटली ठीक है अब देखो कॉर्डिनेटिव एक्टिविटीज कितने तरीके की होती हैं बहुत सारे तरीके की होती हैं जैसे सबसे पहले होती है ओरिएंटेशन एबिलिटी सर ओरिएंटेशन एबिलिटी क्या होती है ठीक है अब देखो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है ओरिएंटेशन का मतलब है इट इज द एबिलिटी टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट इन टाइम एंड स्पेस इन रिलेशन टू ग्रेविटी अब इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आप सपोज एज अ क्रिकेटर आप बैटिंग कर रहे हो ठीक है अब मैं इस तरीके से साइडवेज होके बैटिंग कर रहा हूँ ठीक है मेरा हेड डाउन होना चाहिए मेरा फोकस बिल्कुल बॉल पे होना चाहिए मुझे बॉल को वहां से देखनी है कि जो बॉलर है वो इन स्विंग करेगा या आउट स्विंग करेगा अगर वो आउट स्विंग करेगा तो मुझे इस हिसाब से पैर निकाल के यानी फ्रंट फुट निकाल के या तो मैं लीव करूंगा या ड्राइव के लिए जाऊंगा डिफेंस के लिए जाऊंगा इन स्विंग आएगी तो अकॉर्डिंगली मुझे अपनी बॉडी को एडजस्ट करना है यानी मैं अपनी बॉडी की पोजिशन चेंज कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग बॉल या तो बॉल मूव कर रही है ग्रेविटी के हिसाब से या ओपोनेंट अब जैसे बॉक्सिंग है बॉक्सिंग में मुझे मेरे ओपोनेंट के हिसाब से मूव करना पड़ेगा है ना तो इसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन एबिलिटी कि मैं अपनी बॉडी को कितनी जल्दी मूव कर पा रहा हूं अब देखो एकदम तो नहीं हो पाएगा ना कॉर्डिनेशन चाहिए बहुत सारी चीजों का इसीलिए कॉर्डिनेटिव एबिलिटी में जो सबसे पहला आता है वो आता है ओरिएंटेशन दूसरा आता है बच्चों कपलिंग एबिलिटी सर व्हाट इज कपलिंग एबिलिटी कपलिंग एबिलिटी होती है जिसके अंदर कोई भी दो चीजें एक साथ चल रही हैं ठीक है ज्वाइंट होके कोई भी दो चीजों का एक कॉम्बिनेशन बना के आपको स्पोर्ट कर रहे हो जैसे बॉक्सिंग में मूवमेंट ऑफ हैंड हो गए हेड हो गया ट्रंक हो गया फीट हो गया इसेंशियल टू कपल टू अचीव अ सर्टेन गोल एक गोल अचीव करने के लिए सपोज बॉक्सिंग में हैंड्स हेड ट्रंक फीट इनका कॉम्बिनेशन चाहिए तो जहां भी कॉम्बिनेशन के साथ

तो वहां पे कॉर्डिनेटिव एबिलिटी में कौन सी एबिलिटी चलेगी आपकी बैलेंस एबिलिटी देन रिदम एबिलिटी जितने भी स्पोर्ट्स में रिदम का बहुत अच्छा गेम होता है जैसे सपोज हम नीरज चोपड़ा जी का एग्जाम्पल लेते हैं राइट नीरज चोपड़ा को जब भी भाला फेंकना है तो बहुत रिदम से भागना पड़ेगा रिदम से ही छोड़ना पड़ेगा तभी वो दूर जाएगा नहीं तो जाएगा ही नहीं तो वहां पर रिदम चाहिए यहाँ पे एक प्रॉपर फ्लो चाहिए तो जितने भी ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर रिदम चाहिए वहां पे रिदम एबिलिटी काम आती है उसके बाद एडेप्टेशन एबिलिटी होती है

कोई ऐसी मूवमेंट जिसको बहुत टिपिकल माना जाता है और वो बहुत इजीली परफॉर्म कर लेते हैं है ना जैसे हम प्रो एथलीट्स में रोनाल्डो की बात करते हैं मेसी की बात करते हैं विराट कोहली की बात करते हैं अगर आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वो मैच देखा है जिसके अंदर विराट कोहली ने सामने हारिस राउ को दो छक्के मारे बहुत शानदार नहीं सामने एक मारा एक पीछे मारा तो वो जो सामने उसने शॉट मारा था वो बहुत ही डिफिकल्ट शॉट था एंड ही मेड इट लुक सो इजी तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया क्योंकि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज बड़ी शानदार है और ऐसी एबिलिटी को हम डिफ्रेंसेशन एबिलिटी बोलते हैं तो डिफरेंसेशन एबिलिटी क्या होता है द द हाई लेवल ऑफ दिस एबिलिटी डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस्ड मूवमेंट एंड डिग्री ऑफ मास्टरी ओवर मोटर एक्शन ठीक हो गया बेटा जी तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हो सकती है बेसिकली हमने इस एक्टिविटीज में क्या बात करनी है कि कितने अच्छे से हम अपने मसल्स बोन्स जॉइंट्स नर्वस सिस्टम कितने अच्छे तरीके से हम ओवरऑल कॉम्बिनेशन बना के कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है बच्चों सर्किट ट्रेनिंग इसी बार इंट्रोड्यूस हुआ है ये सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है आओ जी आपको सर्किट ट्रेनिंग बता दू एक बार तो देखो हमारे पास ना दो प्रकार की जिम में वर्कआउट होते हैं जिम में क्या कहूँ नॉर्मली भी आप लोग देख लो तो एक वर्कआउट होता है कि आपने एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर मसल ग्रुप को टारगेट कर लिया कि आज मैं आर्म्स ट्रेन कर रहा हूँ बाइसेप ट्राइसेप या फिर मैं आज शोल्डर्स ट्रेन कर रहा हूँ बैक ट्रेन कर रहा हूँ चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ या पूरी अपर बॉडी कर रहा हूं पूरी लोअर बॉडी कर रहा हूं या फिर हमने एक ऐसा पर्टिकुलर वर्कआउट सेशन किया जिसके अंदर हमने पूरी बॉडी का वर्कआउट किया हर पार्ट इंक्लूड किया और अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज परफॉर्म करी विदाउट अ बिग रेस्ट कोई हमने बहुत बड़ा रेस्ट नहीं लिया हमने पूरी बॉडी का अच्छे तरीके से डेवलपमेंट के लिए सारी एक्सरसाइजेस करी ताकि हमारी स्पीड बढ़ सके स्ट्रेंथ बढ़ सके

अब सर्किट ट्रेनिंग में देखो कितनी सारी चीज़ें हमने कर ली रोप क्लाइंबिंग कर ली फिर रोप स्कीपिंग कर ली कैरिंग द पार्टनर ऑन द बैक उसके बाद हमने डिपिंग कर ली लंजिंग कर ली बेंच प्रेस लगा ली हाफ स्क्वाट लगा लिए फिर चिनअप्स लगा लिए स्टैंडिंग जंप कर लिया मेडिसिन बॉल थ्रो कर लिया सिटअप्स कर लिए रनिंग ऑन द स्पॉट कर लिया तो मल्टीपल एक्सरसाइज को हमने करा ताकि हमारा ओवरऑल वर्कआउट हो जाए बढ़िया और बहुत कम रेस्ट के साथ किया ऐसी ट्रेनिंग को क्या बोला जाता है सर्किट ट्रेनिंग सर्किट ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है आपको ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं कम समय में इट इज अ परफेक्ट वर्कआउट फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव वेरी बिजी शेड्यूल जिनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है कम उन लोगों को टाइम मिलता है वर्कआउट करने के लिए तो ऐसे लोगों के लिए मैक्सिमम रिजल्ट्स इन मिनिमम टाइम इन दिस ट्रेनिंग यू कैन सेट अप एज मेनी एज फ्यू स्टेशंस एज यू लाइक जितने आप चाहो ज्यादा एक्सरसाइजे भी इंक्लूड कर सकते हो कम एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर सकते हो एज पर योर नीड्स ठीक है उसके बाद हमारे पास आइडियल फॉर बिगिनर्स होता है शुरू में आप लोग देखोगे बिगिनर्स को स्पेसिफिक मसल पे फोकस ना करा के मिक्सड एक्सरसाइजेस कराई जाती है तो वो भी तो एक तरीके की सर्किट ट्रेनिंग ही है तो उनके लिए अच्छा होता है कन्वीनियंट होता है इट इज कन्वीनियंट फॉर ईच इंडिविजुअल बिकॉज यू कैन डू कंप्लीट वर्कआउट इन वेरी शॉर्ट पीरियड कंप्लीट वर्कआउट कर सकते हो बहुत शॉर्ट पीरियड में तो काफी कन्वीनियंट होता है ठीक है एक ही दिन में एक्सरसाइर की ट्रेनिंग करी तो सारे पार्ट आपके वर्कआउट हो गए हो गए बढ़िया रहेगा आपके लिए मेनी ट्रेनिज कैन परफॉर्म एक्सरसाइज एट अ टाइम एक ही टाइम पे बहुत सारे ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं क्यों अब जैसे मंडे को इंटरनेशनल चेस्ट डे होता है तो आप कभी जिम में जाओगे ना तो मंडे को देखना चेस्ट की मशीन सारी ऑक्यूपाइड होंगी क्योंकि दुनिया भर के लोग चेस्ट कर रहे होते हैं लेकिन अगर सब सर्किट ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो बहुत सारे एथलीट्स अलग 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 ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो कुछ भी ऐसा ऑक्यूपेंसी नहीं होगा कि एक ही जगह पे सब अलग अलग ट्रेनिंग कर रहे होंगे ना तो बहुत सारे एथलीट्स एक जगह पे आके भी कर सकते हैं उसके बाद अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग कैन बी चेंज अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग आप कम या ज्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज ठीक है तो ये सारा का सारा पार्ट आता है बच्चों हमारे

और फिक्सचर्स uh, वाला पार्ट मैंने आपको बताया था फिक्सचर्स में सेम लास्ट ईयर वाला वीडियो ही आपको करना है उसमें मुझे न्यू वीडियो बनाने की नीड नहीं है मैं लास्ट ईयर वाले वीडियो में ही एक छोटा सा पार्ट जो नया ऐड हुआ है वो ऐड ऑन करके आपको अपलोड कर दूंगा ठीक है तो वो भी कोशिश करेंगे कल योगा आठ बजे और वो पार्ट नौ बजे नहीं तो परसों वाला पार्ट एड ऑन कर देंगे राइट इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा सिलेबस एंड होने जा रहा है और बहुत जल्दी हम चीजें कंप्लीट करेंगे और आप फिजिकल एजुकेशन बहुत अच्छा करके आओगे ऑल राइट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन आई एम गोना सी यू ऑल सुपर टिल देन सिया टेक केयर बाय बाय